आईपीएल 2023 बेंगलुरु और कोलकाता की जीत ने बदल दिया पॉइंट टेबल का समीकरण। राजस्थान को झटका। आईपीएल 2023 का फाइनल 28 मई को खेला जाना है। अब तक टूर्नामेंट के 61 मैच हो चुके हैं। 61 मैचों के बाद टीमों की स्थिति पॉइंट टेबल में इस प्रकार है। पंजाब ने दिल्ली को हराकर पॉइंट टेबल में खलबली मचा दी। केकेआर और बेंगलोर की जीत से बदला समीकरण। बेंगलोर और केकेआर की जीत ने पॉइंट टेबल के समीकरण को दिलचस्प बना दिया है। सीएसके के हारने से राजस्थान की टीम को झटका लगा है। बता दें कि राजस्थान को बेंगलुरु से हार का सामना करना पड़ा, जिसके कारण टीम राजस्थान के लिए प्लेऑफ की रेस बने रहना मुश्किल हो गया है। केकेआर, लखनऊ, बेंगलुरु और पंजाब की टीम इस समय तीसरे और चौथे स्थान के लिए अपने मौके बना चुकी है। दूसरी ओर सीएसके को मिली हार ने रेस को और भी दिलचस्प बना दिया है। अब सीएसके को अपने अगले मैच हर हाल में जीतने होंगे। वही सीएसके की हार ने मुंबई को फायदा पहुंचाया है। अब मुंबई यदि अपना अगला मैच जीतने में सफल रहता है तो वह सीएसके से आगे निकल जाएगा। आरसीबी के फाफ डुप्लेसिस ने अब तक 12 मैचों में 631 रन बनाकर पहले नंबर पर है। वहीं दूसरे नंबर पर जायसवाल है, जिनके नाम 13 मैचों में 575 रन है। डेवन कॉनवे ने 13 मैचों में 498 रन बनाए हैं। सूर्या ने अब तक 12 मैचों में 479 रन बनाए हैं और वह चौथे नंबर पर मौजूद है। पांचवें नंबर पर सुमन गिल है, जिनके नाम 12 मैचों में 475 रन दर्ज है। बात करें वही पर्पल कैप की, तो पर्पल कैप इस समय आधिकारिक रूप से राशिद खान के पास है। राशिद ने 12 मैचों में 23 विकेट लिए हैं। दूसरे नंबर पर चहलर, जिन्होंने 12 मैचों में 21 विकेट चटका लिए हैं। पीयूष चावला ने 12 मैचों में 19 और वही मोहम्मद शमी ने अब तक 12 मैचों में 19 विकेट और तुषार देशपांडे ने 12 मैचों में 19 विकेट लेने का कमाल दिखाया है।